नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पे दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट ए एम बना रहा है और इसके ऊपर काम भी तेज़ी से चल रहा है ऐसे में दोस्तों इसका एक मॉडल सामने आया है जो वाइन टनल के लिए है और इसके अंदर बहुत से डिज़ाइन करैक्टर देख के पता चलता है कि जिन फीचर्स की हम बात करते आ रहे हैं वे इसके अंदर प्रेजेंट है आज इसी के ऊपर बात करेंगे चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों इसका जो इंटीग्रेटेड वाई इंटरनल मॉडल आया है ये स्पेशली ए एम सी एम के वन का है और इसके डिज़ाइन करैक्टरस्टिक बताते हैं कि इसके अंदर बहुत से फीचर ऐसे हैं जो हम बात करते थे कि एम के टू वेरियंट में होंगे लेकिन ये स्टार्ट से ही इसके अंदर दिए जा रहे हैं इसके अलावा इस मॉडल के अंदर दिखाया गया है एक डाइवर्टलेस सुपरसोनिक इनलेट जिसकी वजह से दोस्तों इसके इंजन के ब्लेड से जो रडार वेव टकराएंगी वे वापस नहीं जा पाएंगी सोर्स की तरफ और इस तरह से इसका स्टेल्थ क्रैक्टरस्टिक बना रहेगा और साथ ही इसके अंदर एक एडिशनल सरपेंटाइन एयर इंटेक भी दिया गया है जो फर्दर इसके स्टेल्थ करेक्टरिस्टिक को इंप्रूव करेगा और बहुत से ऐसे डिजाइन एलिमेंट हैं जो इसे ट्रूली एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बनाएंगे इसके अलावा इसके अंदर एक एडवांस इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सेंसर भी दिया गया है जो ट्रेडिशनली रखा जाता है इसके नोज़ के पास और वाइंड स्क्रीन के पास ऐसा ही इसमें भी दिखाई देता है लेकिन बताया जा रहा है कि ये सिस्टम ऐसा होगा जिसे हटाया भी जा सकता है और चेंज भी किया जा सकता है और ये अपनी तरह का ऐसा पहला फाइटर जेट होगा जिसके अंदर ये सुविधा दी गई है हालांकि अभी दोस्तों इसे सामने की तरफ ही रखा गया है जो इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सेंसर है लेकिन आने वाले समय में डी अपने खुद के एक ओन डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रेचर सिस्टम के साथ में आ सकती है जिससे दोस्तों इस फाइटर जेट के स्टेल्थ प्रॉपर्टीज को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा इसके रडार के अंदर किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होगा इसके अलावा और भी छोटी छोटी चीजें दिखाई देती हैं जैसे एयर फ्रेम के ऊपर एक टरट दी गई है पीछे वाली साइड में हालांकि ये क्लियरली दिखाई नहीं देती है लेकिन लगता ऐसा है कि ये एक इंफ्रारेड काउंटर मेजर सेंसर हो सकता है जो स्पेशली इनकमिंग आई मिसाइल होती हैं यानी कि इंफ्रा मिसाइल होती हैं जो इंजन के पीछे की जो हीट होती है उसको पकड़ के फाइटर जेट के ऊपर हमला करती है उनसे बचने के लिए है इसके अलावा दोस्तों मिड सेक्शन के अंदर एक एपीयू इंटेक इनटेक यूनिट की तरह से एक चीज दिखाई देती है यानी कि ऑक्सिलरी पावर यूनिट ये स्पेशली दोस्तों कंबाइन की गई है प्री कूलर और हीट एक्सचेंजर को और ये बेसिकली इसकी रियर फ्यूसीज का हिस्सा है और इसके अलावा ए के अंदर एक 23 थ्री एम के जी एस एच ट्विन बैरल इंटरनल कैनन भी दी गई है जो कोकपिट सेक्शन के पीछे की तरफ लेफ्ट साइड में दी गई है और सबसे बड़ी बात ए के अंदर शुरू से ही इंटरनल वेपन बे दी जाएगी जो चार मीडियम से लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर मिसाइल इंटरनली कैरी कर सकती है या फिर दो मीडियम रेंज की एयर टू एयर मिसाइल के साथ में दो 500 किलोग्राम के स्मार्ट बॉम्ब भी लेके जा सकती है यानी कि दोस्तों एक तरह से पूरे स्टेल्थ कन्फिगुरेशन के अंदर यह फाइटर जेट होगा और इसके अलावा ए में आप देखेंगे कि अनमेंड ऑपरेशनल कैपेबिलिटी भी होंगी जैसे कि ऑटो टेक ऑफ ऑटो लैंडिंग फीचर और इसके अलावा इसका डिजाइन तो ऐसा होगा कि जिससे इसका स्टेल्थ कैरेक्टर बना रहे और और ज्यादा इसको ऑब्जर्व करना मुश्किल हो जाए दूसरे फाइटर जेट के द्वारा तो ऐसे में जब तक ये प्रोडक्शन के अंदर आएगा इसकी बहुत सी और भी टेक्नोलॉजीज मैच्योर हो जाएंगी और ऐसे में ये कंप्लीट फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट से आगे का एयरक्राफ्ट बन के आएगा धन्यवाद जय हिंद